हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल हर गैरेज। सबसे पहले तो जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ कमिंग ऑन टू द टॉपिक, मुझे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब दोनों पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि 6 लाख तक के बजट में बेस्ट कार बताइए। तो मैंने सोचा जब लोग इतना पूछ ही रहे हैं तो क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो ही बना दी जाए। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ 6 लाख तक के बजट में आने वाली टॉप 5 कार्स। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जितनी भी कार्स आज मैं बताने वाली हूँ वो सभी ऑन रोड 6 लाख की आपको पड़ने वाली है। ऑल्सो मैंने कोशिश की है कि सभी सेगमेंट की कार्स मैं इस वीडियो में कवर कर सकूँ। तो चलिए फिर लेट्स बिगिन। मेरी लिस्ट में 5th पोजीशन अचीव करने वाली कार है रेनॉल्ट ट्राइपर। इस कार को मैंने इस लिस्ट में इसीलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इस बजट में आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। इसके कंपेटिटर है डेटसन गो प्लस एंड मारुति इको। इन तीनों में अगर कंपेयर करूं तो मुझे ट्राइबर बेस्ट लगी, इसीलिए मैंने आपको इसको रेकमेंड किया। ये आपको 1 लीटर इंजन की मिल जाती है, साथ ही में ये 72 BHP ऑफ पावर एंड 96 Nm का टॉर्क डिलीवर कर देती है। इन केस आप एक 7-सीटर कार परचेज करना चाहते हैं पर आपका जो बजट है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। इस लिस्ट में 4th पोजीशन अचीव करने वाली कार है टाटा की तरफ से टिगोर। इस कार को इस लिस्ट में मैंने इसीलिए इंक्लूड किया है क्योंकि अगर आप 6 लाख के बजट में एक सेडान बाय करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है टिगोर। एंड ये ऑप्शन बहुत अच्छा भी है, ये आपको 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ मिलता है, साथ ही में एक अच्छे बूट स्पेस के साथ भी मिलता है। इसमें आपको 1.2 लीटर का इंजन मिल जाता है जो कि 84 BHP ऑफ पावर एंड 114 Nm का टॉर्क डिलीवर करता है। तो अगर आप एक सेडान बाय करना चाहते हैं 6 लाख के बजट में तो आप इसे डेफिनेटली चूज कर सकते हैं, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। इस लिस्ट में 3rd पोजीशन अचीव करने वाली कार है टाटा टियागो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 4th पोजीशन पे टिगोर को रखा एंड 3rd पर टियागो को रखा, ऐसा क्यों? इसका रीज़न ये है कि इस बजट में जो टिगोर है वो आपको बेस वेरिएंट ही मिलेगा, लेकिन टियागो के इस बजट में आपको अपर वेरिएंट्स पे मिल जाएंगे। ऑल्सो ये जो कार है ये सेम ही सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है और जो इंजन है वो भी सिमिलर ही है। तो अगर आप हैचबैक चूज़ करना चाहते हैं तो ये कार मेरी तरफ से टॉप रिकमेंडेड है। और इसके जो कंपटीटर्स है ग्रैंड आई10 नियोस एंड मारुति सुजुकी स्विफ्ट, उनको मैंने क्यों नहीं चूज़ किया, ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में आ रहा होगा। तो उनको ना चूज़ करने का रीज़न है सेफ्टी। अब आप इतनी मनी स्पेंड कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली यही चाहूँगी कि आप अपनी फैमिली के साथ एक सेफर कार में ड्राइव करें। 2nd पोजीशन अचीव करने वाली कार है टाटा ऑल्टोस। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं टाटा की कार ज़्यादा रेकमेंड कर रही हूँ तो टाटा की एम्प्लॉय हूँ या फिर टाटा ने मुझे पे किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेरे पास भी 6 लाख रुपीस होते तो जो ऑप्शंस मैं खुद कंसिडर करती मैं आपको वही रेकमेंड कर रही हूँ, मुझे किसी ने भी पे नहीं किया है। टॉकिंग अबाउट ऑल्टोस, तो ऑल्टोस एक प्रीमियम हैचबैक है, इसे मैंने 2nd नंबर पर इसलिए रखा है एंड टियागो को 3rd नंबर पर इसलिए रखा है बिकॉज ये एक प्रीमियम हैचबैक है। इसमें आपको बेटर स्पेस देखने को मिलेगा, बेटर लुक्स भी मिलेगी, मे बी फीचर्स थोड़े कम मिले लेकिन वो फीचर्स आप इजीली बाय टाइम आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो अगर आप एक प्रीमियम हैचबैक बाय करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से ऑल्टोस टॉप रिकमेंडेड है। 1st पोजीशन अचीव करने वाली कार है निसान मैग्नाइट। इस कार को 1st पोजीशन पे रखने का मकसद यही है कि ये जो कार है ये एक इकलौती कॉम्पैक्ट SUV है जो आपको इस बजट में ऑफर की जा रही है। इसमें आपको बेटर रोड प्रेजेंस, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस और अच्छा स्पेस देखने को मिलता है। ये जो कार है ये मेरी तरफ से टॉप रिकमेंडेड है क्योंकि ये जो कार है ये आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करती है। तो इसी के साथ ये टॉप 5 की लिस्ट एंड होती है। इस लिस्ट में और बहुत सारी कार्स ऐड हो सकती थी, जैसे स्विफ्ट हो गई, ग्रैंड आई10 हो गई या फिर बलिनो हो गई। उन्हें मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि इस लिस्ट को बनाते टाइम मैंने सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी रखा है, यही रीज़न है कि इन कार्स को मैंने इस लिस्ट में ऐड नहीं किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना तो आपको वैसे भी अलाउड नहीं है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पे आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा होगा, आप वहाँ पे भी जाके मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा।
तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।